कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। उसमें ये स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुपोषण है तो ये गंभीर बात है। और छत्तीसगढ़ में ना केवल पंडो समाज, सामान्य रूप से भी कुपोषण की स्थिति दिखती है, जिसमें काफ़ी ध्यान मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं। और दर भी कुपोषण का काफ़ी कम हुआ है पिछले 2 सालों में, इसमें भी काफ़ी काम हुआ है। फिर हेमोग्लोबिन की जहां बात आती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी और गंभीरता से इसमें परीक्षण करके दवाइयां इत्यादि उपलब्ध करानी होंगे, ताकि ये हेमोग्लोबिन की कमी भी कोई पंडो समाज तक सीमित नहीं है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में ये पाया जा रहा है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। सर, ये पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब अचानक से निर्णय छत्तीसगढ़ में भी होगा? अचानक से नहीं, एक ही प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो ढाई ढाई साल की बात कर रहे हैं, ढाई साल भी बीत गया तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, तो उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है वो निर्णय के रूप में आ जाता है। ये शैलेश पांडे जी जो कह रहे हैं सर कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनके बयान से? भावनात्मक व्यक्ति हैं वो, भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें उतना अच्छा रहता है। लेकिन पंकज सिंह पर एफआईआर हुई है, पंकज सिंह पर एफआईआर हुई, इसको कैसे देखते हैं? एक घटना हुई थी, जहां तक मैंने जानकारी ली कि आखिर बात क्या थी, तो संयोग से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस स्वास्थ्य विभाग के कमी को ही वो ठीक करने गए थे। एक और ये भी एक संयोग है, ऐसे तो किसी भी मरीज के साथ ये हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार, सालों से जुड़ा हुआ परिवार था, जिनकी एमआरआई की व्यवस्था होनी थी और 7 बजे से लेके वो पहल कर रहे थे, और पंकज यहाँ से गए, रायपुर से बाय रोड गए, तब से उनको खबर आ रही थी और वो भी पहल कर रहे थे कि हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा, मशीन खराब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं, तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आई। वो बच्ची कह रही है कि हमसे 2000 मांगा गया था, कि कम से कम 2000 रुपये लगेंगे तब ये होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। और लोग तकलीफ में रहते हैं तो आवेश में कभी कभी किसी को करो क्यों नहीं कर रहे हो काम, उसमें व्यवहार में कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो तो सामने वाले ने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस का काम है कि जांच करके और जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर वैसी कार्रवाई। की गलती है तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? डीन है, सुप्रिंटेंडेंट है। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। तो शासन करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और कहीं कर्मचारी या कहीं ना कहीं बीच में जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात। सर, व्यक्तिगत तौर पर अगर अनुभव की बात करें, दुख नहीं पहुंचता सर बार बार अगर अपने ही लोग इस तरह के बयान के बाद देते रहे और कोई आहत होते हुए नजर आए? स्वाभाविक है कि ये सब जितना कम हो उतना अच्छा। आखिरी में घिरते आप ही है, नाम आपका ही आता है लास्ट में, कुछ झाड़फूंक कराता हूँ। तो सर आपको लगता है क्या, आपको लगता है क्या कि वाकई में सर आपने कहा था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है हाईकमान का, बहुत टाइम हो गया सर इस बात को कहे हुए कि फैसला सुरक्षित है, तो सर ये सुरक्षित तब तक सुरक्षित रहेगा? ये उनका विशेषाधिकार है, स्वाभाविक है कि बात जब उनके पास है तो निर्णय भी फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती, कई चीज़ें रहती हैं, व्यवहारिकताएं रहती हैं। अब देखें अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी, तो कई कारण रहते हैं उनके आधार पे हाईकमांड पे। तो सर पंजाब छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ मैनेज है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी, अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया, ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। हिमाचल में बर्थडे में नहीं, बर्थडे दिल्ली में मना।
अच्छा, तो दिल्ली में हाईकमांड से कोई आया था? नहीं नहीं, केवल हम लोग भाई बहन थे। मदर की डेथ के बाद ये पहली बार हम लोग चारों भाई बहन, बड़ी बहन भी इस बीच में चली गई, तो अब हम चार भाई बहन हैं, तो हम लोग और बच्चे जो थे हम लोग साथ बैठे। राहुल जी का दौरा देरी हो रही है सर, क्यों, क्या लगता है, क्यों ऑनलाइन ओपीडी? बीच में मौसम की भी बात आई, देखिए कि तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, पंजाब के मसले पर भी वो साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अपनी बात साफ तौर पर रख रहे थे। फिलहाल रुकते छोड़ से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।